में दो आसन बताए जा रहे हैं, ताड़ासन और त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन करते हैं, तो त्रिकोणासन में सबसे पहले आप अपने पैरों को थोड़ा फैला लें और हाथों को फैला लें। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने एक हाथ को, यानी कि अगर आपका लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हैंड में आप अपने हैंड को लेफ्ट फुट की ओर नीचे बेंड करें जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, और अपना ध्यान आपको राइट हैंड की तरफ रखना है। ऐसे ही आप दूसरी तरफ करें, यानी कि आप अपने राइट हैंड को राइट लेफ्ट की तरफ फुट की तरफ लेके जाएं। ऐसा करने से आपकी कमर की फैट बहुत जल्दी बर्न होती जाएगी। ये जो आसन होते हैं, ये ऐसे आसन हैं जो आपको खाली पेट करने हैं, और अगर आप दिन में 3 या 4 बार कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे आसन से कमर की फैट बहुत जल्दी बर्न भी होती है, और ये जिनको डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इसके बाद आता है, ये बात करेंगे कि अपने त्रिकोणासन किया, अब आता है ताड़ासन। ताड़ासन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं और अपने आप को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। जब आप अपने आप को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया, दोनों हाथों को आपस में मिलाकर, उसके बाद आपको अपने दोनों हाथ को मिलाए लेफ्ट साइड में बैंड होना है, उसके बाद आपको राइट साइड में बैंड होना है। ऐसे होने से आपकी कमर की और पीठ की चर्बी जो होगी वो खत्म होती जाएगी। ये सारे के सारे, यानी कि दोनों के दोनों आसन ही आपके चर्बी को बहुत जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि ये हमारे बॉडी को स्ट्रेच करते हैं कमर से और पेट से, क्योंकि कुछ एफर्ट्स करने से ही फैट बर्न होता है। इसलिए आप अपनी डाइट को भी कॉन्शियस रहें, डाइट की और भी बहुत ध्यान दें और ये योगा करें। ये ऐसे दो योगा हैं जिनसे हम अपने फैट को बर्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो टिप्स फॉलो करनी है वो ये कि आपको पानी जो है वो बैठकर ही पीना है, पानी को खड़े होकर नहीं पिए, और पानी गुनगुना पिए और एक एक सिप करके जैसे चाय पीते हैं वैसे पिए।